ओके हैव यू ओपन योर बुक हिंदी व्याकरण ओके हिंदी व्याकरण लेसन नंबर फर्स्ट भाषा व इसके रूप ओके यू कैन सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक टीचर है ना वो और सामने गांधी जी की फोटो लगी है जो और टीचर क्या है स्टूडेंट्स को कुछ समझा रही है रिमेंबर यू हैव टू पुट योर फिंगर पहले चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता रही है कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है पहले चित्र में टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है ठीक है उसके बाद दूसरे चित्र में विनोद पूछ रहा है कि राष्ट्रपिता कौन है बताइए अध्यापिका 2 अक्टूबर के विषय में बता रही है अध्यापिका ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा और 2 अक्टूबर के बारे में बताया तो कैसे बताया लिखकर बताया ठीक है विनोद ने प्रश्न पूछा कैसे पूछा बोलकर पूछा इसी प्रकार आगे देखिए कि एक भिखारी है वो गाड़ी वाले की तरफ इशारा करके भीख मांग रहा है क्या कर रहा है गाड़ी वाले की तरफ इशारा करके भीख मांग रहा है तो इस प्रकार भीख मांगते भिखारी को आपने देखा होगा देखा है ना कि गाड़ी के आस पास में करो भीख मांगता ये क्या हुआ संकेत देना यानी इशारा करना ठीक है सुबह घूमते हुए लोगों से पूछ लाकर खाना मांगते हुए कुत्तों को भी आपने देखा होगा जो डॉगीज होते हैं आपके आसपास के एरियाज में है ना वो क्या करते हैं अपनी पूछ लाकर खाना मांगते हैं तो पूछ लाना भी क्या हुआ संकेत देना हुआ पूछ लाना भी क्या हुआ इशारा है पूछ लाना क्या है इशारा है और इशारा इट मीन्स वो संकेत है तो कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपनी बात लिखकर बोलकर अथवा संकेत करके बता सकता है कोई भी प्राणी अपनी बात को या तो बोलकर बता सकता है लिखकर या फिर संकेत के द्वारा बता सकता है इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति या अन्य प्राणी जो है पढ़कर सुनकर अथवा देखकर समझ सकता है वह माध्यम देखिए भाषा किसे कहते हैं वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे वह भाषा कहलाता है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं अथवा दूसरों के विचार जानते हैं भाषा कहलाता है यानी इट मीन्स आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो माध्यम हुआ बोलकर अब आप